मैडम मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ ना मैं आपको उसी तरीके से समझाऊं। जैसे ये देखिए, ये है मैग्नेट और ये है लोहा जो मैं हूँ। जैसे चुम्बक और लोहा एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे मैं भी निखिल की तरफ खींची चली गई। वो लड़का नहीं, जादूगर है। कोई भी लड़की उसकी आंखों में एक बार देख ले और उसे प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना, शादी तो नहीं हुआ आपके वो फिल्मी भाई साहब से। मीरा, नमस्ते। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। ऐसा हो मीरा, मीरा एक मिनट, मीरा। हाँ मैडम सर, हम लखनऊ कानपुर हाईवे पर हैं। मीरा उस टैक्सी का पीछा कर रहे हैं मैडम सर। मैं उसके पीछे भाग रही हूँ मैडम सर। होता है, मैं जा रही हूँ भाग के वो। अरे मीरा। यस मैडम सर। मीरा रुको, टैक्सी का पीछा कर रहे हैं मैडम सर। अरे बड़े लोग थोड़ी ना ऐसे लेते हैं, वो तो जूनियर्स के थ्रू ही होता है ये लेन। ऐसा करती है वो। आ जाइए। जिसके मन में होता है चोर, वही बनता है पुलिस के आगे मोर। वीडियो कॉल जी करिश्मा सिंह। मैडम सर पता नहीं मीरा को क्या हो गया, वो आड़ा फट गई है, वो चुंबक लग गया तो उसके बाद कुछ अलग अजीब अजीब सा हरकत कर रही है। एक मिनट, ये देखिए आप। इसको आप ऑर्डर दीजिए। ठीक है, आप फोन दीजिए, मीरा को फोन दीजिए। मीरा ये हम है हसीना मलिक, हमारी बात सुनिए, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब बंद कीजिए फौरन। मीरा नहीं सुन रही मैडम सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम सर, आप सब देख रहे मैडम सर, हम क्या करें जल्दी बताइए। करिश्मा सिंह कुछ भी कीजिए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, रोकिए ये सब। करिश्मा सिंह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक रोबोट है, चुंबक की वजह से उसका सिस्टम मैलफंक्शन हो गया है। वो उसके सर पे जो चुंबक लगा हुआ है वो हटाइए। हाँ ठीक है मैडम सर, हम करते हैं आपको। ये तुम्हारी मैया की है, छोड़। ओ गुरुदेव निकल जाएंगे। निखिल गुरु रुक जाओ, मेरे प्रेम देवता, मेरे लग्न देवता, मेरे विवाह देवता, छोड़ दो मुझे। अब ऐसे कौन छोड़ देता है, धक्का मार रहे हो मुझे। गुरुदेव ऐसे मत जाना, मुझे कोई गुरु मंत्र देना ताकि मेरी शादी हो जाए, मेरा जुगाड़ हो जाए, मेरी सेटिंग करवा दो प्लीज। अरे छोड़ो यार, मैं वैसे खुद ही परेशान हूँ यार, मेरी खुद की बीवियां एक एक करके छोड़ के मुझे चली गई हैं यार। ए मुझे उठा, आराम करो, आराम से। देखो आपकी शादी तो थोक में हो रही है, ढाल ढाल में आपको लड़कियां मिल रही है, हमें एक तक पीस दिलवा दो। अरे यार क्या बकवास किया जा रहे हो यार, जान दो यार। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे जीवन में मीरा जी है, उसका कुछ जुगाड़ कर दो, ऐसा कोई गुरु मंत्र बता दो कि मीरा जी बिल्लू पे दीवानी हो जाए, हमारी एक कहानी बन जाए, जवानी दीवानी हो जाए। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, आओ बैठो, बताता हूँ। पागल होके मर जाएगा ये शादी के चक्कर। मुझे शादी करनी है। बैठो, बताओ। अच्छा सुनो, अभी एक मिनट, तुम क्या बताओ रे, तुम्हारी शादी होगी ना, तुम इधर खींचो, इधर इसकी शादी होगी, मेरी शादी नहीं होगी। सुनाओ, तेरी शादी नहीं हुई ना? नहीं, इधर आ चल। हाँ अब बताओ। देखो लड़कियां ना बहुत इमोशनल होती हैं, बेवकूफ नहीं होती हैं। लड़कियां ये सब तमाशा ममाशा नहीं देखती हैं, लड़कियां देखती हैं सच्ची आंखें। अगर तुम्हें लड़कियों को पटाना है ना, तो पूरी शिद्दत से, पूरी गहराई से अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचा दो। अगर उसी गहराई से तुम्हारे दिल की बात उसके दिल को टच हो गई ना, तो समझो लड़की तुम्हारी यार। चलता हूँ। शिद्दत से देखूंगा उसकी आंखों में, शिद्दत से खाओगे थप्पड़। एक मिनट मैडम सर, मतलब पहले हम समझ लेते हैं, करिश्मा मैडम के हिसाब से वो लड़का कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है जो लड़कियों को अपने वश में करना जानता है।
और अब आप कह रही हैं कि किसी को उसके करीब जाकर देखना पड़ेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। एग्जैक्टली क्या खूब कही है किसी ने कि कुछ राज अपने भी रखिए, क्योंकि खुली किताब और खुले किरदार हर किसी को दिलचस्प नहीं लगते। ये निखिल के बारे में भी हमें ऐसा ही कुछ लगता है। मतलब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कौन सा जादूगर है जो लड़कियों को वश में करता है, उनसे शादी करता है, और शादी के बाद अचानक लड़कियां ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं, जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं था। इसलिए इस निखिल का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब कोई उसमें दिलचस्पी दिखाए, उसके करीब जाए, ताकि वो खुद अपने सारे राज खोल दे। बस ये सोचना है कि ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करेगा। चीता। नहीं नहीं मैडम सर, हम तो संतू जी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हैं। करिश्मा सिंह। नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस का बात नहीं है। हाँ हाँ, ये बात हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। अगर प्यार मोहब्बत के बारे में आप इतना भी जानती होती ना, तो आज हमारी गोदी में हमारे पोता पोती सुसु पोटी ना कर रहे होते। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये प्यार इश्क और मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर जानती होती तो हमारा वंश नहीं आगे बढ़ गया होता, हमारे लल्ला के तो बाग ही फूट गए। क्या बताएं, हम फूट गए, उनके बाग फूट गए। तभी वो जिद पे अड़ गए थे कि अगर शादी करेंगे तो सिर्फ करिश्मा सिंह से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। और आप कहते हैं कि हमें प्यार मोहब्बत नहीं आता है। हमको भी आकर लाए आपके घर पर इसी चंबल वाली बंदूक को, जिसे आप कहती है कि उसे प्यार मोहब्बत नहीं आता। और इसीलिए तो कह रहे हैं हमारे लल्ला के तो बाग ही फूट गए। एक मिनट सुनिए, ये जो आप चंबल बनी बंदूक है ना, एक रोमांटिक करिश्मा सिंह भी है जिसकी झलक हमने कई बार देखी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काम सबसे अच्छे तरीके से आप ही कर सकते हैं। नहीं नहीं मैडम सर, गड़बड़ ये है कि हम विवाहित हैं, हमारा विवाह हो गया है। विवाह होने के बाद ना ये चोचलाबाजी ना दिमाग से निकल जाता है, आप समझ रही है? वो सच्चाई नहीं आएगा ना हमारे अभिनय में। ना आप का ही निकल लेती मैडम सर। हाँ, आप तो जज्बात की देवी है, प्यार का चलता फिरता मूरत है, ये आप कर सकती हैं, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्टिंग वैक्टिंग हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम है ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय, फिर हम आधे मिनट में पकड़े जाएंगे। देखिए ये हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें सोचना होगा कि मीरा कर सकती है ये काम। ये मीरा, इससे अच्छा चीता। मीरा से अच्छा चीता करेगा मैडम सर। नहीं मैडम सर, इसके बस का बात नहीं, गड़बड़ करेगी ये। कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमें लगता है मीरा ये काम बहुत अच्छे से करेगी। और वैसे भी हम इसे सिखाएंगे, हम इसे रोमांस की प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। और वैसे भी हमें लगता है कि ये काम सबसे अच्छे तरीके से करिश्मा सिंह ही कर सकती है। देखिए आप रोमांस करना नहीं चाहती, रोमांस सिखा तो सकती हैं। आपकी जो खूबी है जिसकी वजह से इनके लल्ला गमले से लटक कर घंटों आपसे बातें किया करते थे, उसका 10% भी अगर आपने मीरा को सिखा दिया तो हमारा मिशन तो सक्सेसफुल हो जाएगा। बात वो नहीं है मैडम सर, गलती कर रही हैं आप। ये केस मीरा को देखे आप गलती कर रही है, ये गड़बड़ करेगी। करिश्मा सिंह आपको हम पर भरोसा है? हमें तो आंख बंद करके भरोसा मैडम सर। तो बस फिर जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। जी मैडम सर। हाँ मीरा, एक तो बहुत बढ़िया लग रही है, ऊपर से आती रहो आती रहो आती रहो। हाँ बस वहीं रुक जाओ, वो खिलौने का दुकान देख रही हो, बस वहाँ खिलौने देखती रहो। हाँ करिश्मा सिंह, उम्मीद है आपने ट्रेनिंग अच्छे से दी है मीरा को। मैडम सर एडवांस्ड मशीन है, सिखा तो दिया, उम्मीद करते जो सिखाया वो सीख गई होगी। उसको 3 चीज़ें सिखाई है मैडम सर, एक तो प्यार से मुस्कुराना, एक स्वाभाविक नजाकत, और एक ऐसा मुस्कुराना जो नकली ना लगे। इतना काफी होगा निखिल जैसे इंसान को अपने झांसे में करने के लिए। हाँ हाँ, आ जाएगा झांसे में ऐसी बचकानी बकवास और नकली अदाएं देखकर। ए मुझे बताओ, वो विवाह देवता ने क्या कहा था? उसने बोला तो उसकी तीनों बीवियां उसको छोड़ के भाग गई। हाँ अरे नहीं नहीं, हाँ उसने बोला था लड़की की आंखों में आंखें डालकर वो सब बोल डालो जो बोलना है। लड़की झूठे तमाशे नहीं, सच्ची आंखें देखती है। वो देखो मेरी इन सच्ची आंखों ने मीरा जी को देख लिया है।
अलविदा, आवाज आ रहा है हमारा? यस मैडम। हाँ बहुत बढ़िया, अब सुनो निखिल ना तुम्हारी तरफ आ रहा है, अब जैसे तुम्हें हम बोलेंगे ना तुम्हें पलट कर उससे टकराना है और अपना पर्स गिरा देना है, ठीक है? पर्स गिराते ही तुम्हें हल्के से अपने बालों में हाथ फेरना है और प्यारी सी स्माइल देनी है, ठीक है? उसके बाद अगर वो तुम्हें स्माइल वापस देगा बस वैसे ही तुम्हें शर्माना है। जैसे ही तुम शर्माओगे ना ये हमारे आगे के लिए लीड होगा, उसका तुम्हारी तरफ झुकाव होगा और वो अपना अगला स्टेप लेगा। मीरा तुम्हें हमारे बात अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मुझे सब याद है मैडम। वेरी गुड करिश्मा सिंह, आप तो एक्सपर्ट निकले। धन्यवाद मैडम सर। हाँ ऐसे ही तो इन्होंने हमारे लल्ला को पटाया, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हम काम कर ले हम। थैंक यू। ओके ए बैसाखी लाओ। चलो बैसाखी। तुम सपोर्टिव रहना, नॉन एक्टिव रहना। किया नीरज जी ये मार खाएगा। अरे 100% पक्का। चल देखते हैं आजा। बिल्ला बिल्लू ये यहाँ क्या कर रहा है? उसकी मुइयों की। मेरा पलटो पलटो जल्दी पलटो। अरे ये हम हटो भैया। एक करिश्मा से कर देखते हैं क्या होता है। अरे भैया चाय बनाओ। टोपा आदमी देखे पर तुम्हारे जैसा टोपा इंसान नहीं देखा हमने। क्या हमारे प्लान पे क्या झाड़ू फेरने का इरादा है क्या तुम्हारा? कितनी बार समझाया इसके पीछे मत पड़ो, इसके बिजली का बिल भरते भरते कंगाल हो जाओगे तुम। और तुम हमारा नाम छोड़ो, चेहरा देख के तो लाइन मारो ना। तुम्हारा टारगेट पीछे बैठा है वो ब्लू शर्ट पहन के, वो तुम्हारा टारगेट है, वहां जाके अपनी अदाएं दिखाओ। यहाँ टोटल वेस्ट है, समझ रहे हो हमारी बात को? जाओ जाओ। बस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तुम्हें शर्माना है जैसा हमने कहा था वैसे शर्माओ। शर्मा सॉरी। चेहरे तो बहुत देखे हैं पर आप जैसा हसीन चेहरा पहली बार देख रहा हूं। बहुत खूबसूरत हैं आप। ये निखिल तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट निकला। ये जो किरण के पिताजी ना बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जितनी भी बीवियां लापता हुई है हो ना हो उसके पीछे इस निखिल का ही हाथ है। एक नंबर। बहुत बढ़िया, अब एक काम करो तुम यहां से चली जाओ। और तुम दोनों चलो थाने चलो चलो। हाय तो ठीक से चला नहीं जा रहा है और तीन के डब्बे के पीछे पहुंच गए तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पे? हाँ कैसे हुआ? ऐसा चला हुआ रणबीर कपूर है। बस मैडम बस एक कदम भी आगे मत आना वरना 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 क्या करोगे तुम? बात करूंगा। इन दोनों ने मुझे चढ़ाया। मीरा जी से बात करो, उसे प्रपोज करो। इन दोनों ने चढ़ाया मुझे। मैडम ने हमें बताया कि मीरा को तुम्हारी भाभी बनाना चाहती।
अच्छा हमारा इमोशनल दिल है तो हम सोचे चोर है तो क्या दोस्त है उसका घर बस जाएगा भला हो जाएगा तो हम इसे पिघल के तो हेल्प कर दी बस इतना था तो तुम दोनों निकलो चलो काम धंधा करो अपना निकलो चलो और तुम बिल्ले तुम्हारा दिमाग ना बिलबिला रहा है जो तुम इससे इश्क लड़ा रहे हो पावर हाउस में तुम हाउस वाइफ ढूंढ रहे हो इश्क इज अ पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन इसमें बुराई क्या है देखिए आग दोनों तरफ बराबर लगी है मैं मर जाएगा मैडम मर जाएगा ओके सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए कानपुर के एसएसपी से हमारी बात हुई है किरण का कोई अता पता नहीं मिल रहा है कोई नहीं ढूंढ पा रहा है कि कहां गई वो और जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं किरण के माँ बाप उतने ही परेशान होते जा रहे हैं इनफैक्ट जितनी भी लड़कियां गायब हुई है सबके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बेटियां अगर गई तो कहां गई परेशान तो होंगे ही ना मैडम सर लड़की के माँ बाप जो ठहरे एग्जैक्टली और सबसे अजीब चीज ये है कि इन सब के बारे में कोई भी जानकारी मिल नहीं पा रही है मैडम सर ये बात उनकी बीवी से ज्यादा बेहतर तरीके से और कौन बता सकता है एग्जैक्टली इसलिए करिश्मा सिंह बहुत जरूरी है इस प्लान को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना जी मैडम सर उसके लिए हमें निखिल के पीछे दोबारा लगना पड़ेगा और मीरा को उसकी लाइफ में दोबारा सेट करना पड़ेगा ताकि मीरा उसकी बीवी की जगह लेकर पता लगा सके कि आखिर चल कहां रहा है और अगर ऐसा हुआ ना मैडम सर तो हम कामयाबी के बहुत नजदीक होंगे मीरा ने जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाया उस लड़के के ऊपर ये रोमियो टाइप आशिक नहीं होते हैं मैडम सर इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी ना छठी इंद्री कह रही है ये जो निखिल है ना ये कल उसी जगह वापस आएगा जहाँ मीरा उससे टकराई थी और मैडम सर इससे अच्छा मौका नहीं होगा उसको पकड़ने का या उसका सच्चाई पता लगाने का आप समझ रहे हमारी बात को और तुम अब लोगी अगला स्टेप तुम निखिल से आंखें मिलाओगी फिर उसकी आंखें चुराओगी क्या मतलब आंखें चुरानी है चोरी इज इलीगल ऑफेंस अपराध है क्राइम है और आंखें चुराने के लिए आंखें निकालना उससे भी बड़ा क्राइम है आंखें निकालना इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस गाचा गाचा पॉइंट हाई मैया की अमा आंखें चुराना मतलब आंखें निकाल लेना नहीं होता जंग लगी बुद्धि आंखें चुराना मतलब हमें देखो हम तुमको करके बताते हैं कि आंखें मिलाकर आंखें कैसे चुराना है ठीक है इसको कहते हैं आंखें मिलाना आंखें चुराना कैसे ओके आंखें मिलाना आंखें चुराना बहुत बढ़िया मीरा बिल्कुल ऐसे ही करना तुमको इससे क्या होगा निखिल को मिलेगा इंडिकेशन वो आएगा तुम्हारे पीछे वो पागल हो जाएगा तुम्हारे लिए और जैसे ही वो तुम्हारे पीछे आएगा तुम्हें कागज में अपना फोन नंबर लिखना है और गिरा देना है क्या करना है कागज में फोन नंबर लिख के गिरा देना है बस नंबर मिलते ही निखिल तुमको फोन करेगा फिर उसके आगे क्या बतियाना है कैसे बतियाना है ये सब बेहतर है ना हम तुमको सिखाएंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तुम्हारे आगे उसने शादी का प्रस्ताव ना रख दिया ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे दिलफेक आशिक को ये रोमियो टाइप जो आशिक होते हैं और आ जाते हैं एकदम पागल हो जाते हैं इनको संभालना ना हमको बहुत अच्छे से आता है दुनिया का सबसे आसान काम है लड़के को अपने जाल में फंसाना हाँ नहीं मतलब ये हीरो करता है ना हीरोइन को उसको फंसाता है उसको रिझाता है अब वो राइटर भी जो लिखता है वो भी तो किसी वास्तविक अनुभव से ही लिखता है ना मतलब आप समझ रहे हम ऐसे समझ रहे वेरी गुड करिश्मा सिंह ये बहुत बढ़िया चीज़ है जितना हो सके आप ट्रेनिंग और अच्छे से कीजिए मीरा की क्योंकि निखिल बहुत ही चालाक आदमी है हम कोई भी गलती नहीं कर सकते जी मैम मीरा सर छोड़ो देखो तुम्हें निखिल कहीं नजर आ रहा है सर्चिंग
आइडेंटिटी मैच निखिल फाउंड। अब क्या करना है? बहुत बढ़िया, अब तुमको ना उसके सामने से गुजरना है और उसको ऐसे दिखाना कि तुमने उसको देखा ही नहीं है। समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ, और ये समझ रही हो हमारी बात को, समझ रही हो हमारी बात को, बोलना बंद कीजिए। मैं आपको पहले भी याद दिला चुकी हूँ कि मेरा आईक्यू लेवल अब सबसे कहीं ज्यादा हाई है। जाओ ना, तुम अपना जाके काम करो, हमारे सामने ना ये बड़बड़ाया मत करो, तुम समझ रही हो? और हाँ, ब्लूटूथ लगाओ, हम फोन से कनेक्टेड रहेंगे, जाओ। ओके, ह्यूमन ईगो, ये आड़ा फटती है, हम इसको खोल देंगे किसी दिन। शांत शांत। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देता हूँ कि कल हमारी मुलाकात यहीं पे हुई थी। आपका सामान गिर गया था और मैंने आपकी हेल्प की थी। याद है, थैंक यू। थैंक यू तो आपने कल बोल दिया था, आज मैं आपसे कुछ बोलने के लिए आया। क्या कहना है? देखिए, हो सकता है कि आपको सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगे, हो सकता है थोड़ा सा क्लीशे भी लगे, पर जब से आपको देखा है ना, सिर्फ आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। सोचता रहा कि आपसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपका एक खूबसूरत चेहरा फिर मैं देख पाऊंगा या मैं नहीं देख पाऊंगा। इसी कश्मकश और बेचैनी में मैंने अपना पेन उठा लिया और आपके खूबसूरत चेहरे को अपने ख्याल से निकालकर इस कैनवस पे उतार दिया। ये देखिए,